रामनगर के बसई स्थित दिव्यांग छात्रावास में दिव्यांग बच्चों को पीटने का मामला सामने आया है। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। दिव्यांग बच्चों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये एक आवासीय विद्यालय है सर। इस विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ाई करता था। फरवरी माह से मैंने इस बच्चे को वहाँ पर एडमिशन दिलाया था। उसके बाद जब बच्चा क्योंकि बोलने में असमर्थ है तो उसने इशारे मेरे अपनी कपड़ों की ओर को इशारा किया तो मेरी बहन ने उसके कपड़े उतरवाने के लिए स्टाफ से कहा कि नए कपड़े पहनाओ। तो जब वो नए कपड़े पहनने के लिए बच्चे को लेकर के ड्रेसिंग रूम में गए तो देखा कि उसके शरीर पूरा लाल था और अधीक्षक से पूछने पर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उसको फंगस हुआ है। बहन उसको रामनगर अस्पताल लेकर के आई और इनके एक स्टाफ को भी साथ में लेकर के आई। पर डॉक्टर से जो पूछा जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को मारा गया है। मारपीट की डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि कोई रेसिस नहीं है। उसके बाद मैंने 15 तारीख को ये मामला मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला है और डीएम और कमिश्नर सर को मैंने मेल किया है और जिला प्रयोजन अधिकारी और बाल कल्याण समिति को मैंने ये मामला दिया है 16 तारीख को। सर हमें इसे 1.5 महीना वहाँ डाले हुए हैं और अगर इसे हम अभी राखी के इसमें लेके आए 9 तारीख को, हमने घर आके देखे हुआ, अगर वहाँ पर देखते हो हम वहीं पर एक्शन लेते। घर आके देखे कि तो पूरे यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, हाथ में, बाजू में, सर में जुई लिखी सब कुछ पड़े हुए, दाने हो रहे हैं, उनमें पस भरा हुआ है। और हमने कॉल करके बात करी तो वो कह रहे नहीं नहीं हमने नहीं मारा है, अपने ऊपर नहीं, कह रहे हमारी लड़की फोटो देख के कह रही नहीं हमें इनने मारा है, आंटी ने मारा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मैम नहीं बोलते, आंटी बोलते। हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम ले रही है बेटी उनको सजा दी जाए। एलिन वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन उत्तराखंड के बैनर तले 2621 नर्सेस की नियुक्ति को लेकर हल्द्वानी से देहरादून तक 4 युवा पैदल यात्रा पर निकले हैं। पैदल यात्रा के दौरान रामनगर पहुंचे युवाओं ने बताया कि भर्ती को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार उनका संघर्ष जारी है। उनका कहना है कि अगर पैदल यात्रा से कोई भी हल नहीं निकलता तो युवा आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। आज जो हमारी ये पद यात्रा है ये हम शौक से नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी इसको करवा रही है। 2 साल से नर्सेज के 2621 पदों पर भर्ती को लटकाया गया है। वर्षवार नियुक्ति होनी थी और आज तक नहीं हुई है। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं इन चीज़ों से तंग आकर, इन आश्वासनों से तंग आकर हम लोग सचिवालय आगे बस हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से नर्सेज वेलफेयर फाउंडेशन के साथियों का धरना प्रदर्शन देखा तो मुझे लगा और जानकारी भी इनसे मैंने प्राप्त किया कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें स्थायी तौर पर मात्र 746 जो है स्टाफ नर्स अभी तैनात हैं। आप बताइए इतना बड़ा उत्तराखंड प्रदेश, क्या 746 स्थायी नर्स से प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था चल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंपनियों को हायर किया जाता है और वो कंपनी 3 महीने का जो है सैलरी खा जाता है साथियों का और जो है पीएफ तक जो है घटक जाता है। सवाल यह है कि जब इनके माँ बाप ने लगातार खून पसीने की कमाई करके इनको डिग्री कराया, डिप्लोमा करवाया है, आज क्यों सरकार इनका संज्ञान नहीं लेती है? पौड़ी पुलिस ने 6 बाइकों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ माह पहले पौड़ी में चोरी हुई बाइकों की शिकायत के बाद कोतवाल पौड़ी ने एक टीम का गठन किया। टीम ने इस मामले की जांच करते हुए एक अभियुक्त से 6 बाइकें बरामद की हैं। पिछले 1-2 महीनों से लगातार केवल न केवल सिटी क्षेत्र से बल्कि जो हमारा राजस्व क्षेत्र है वहाँ से भी बाइकें मिसिंग की सूचना थी। तो एक मुकदमा 9 अगस्त को कोतवाली पौड़ी ने दर्ज किया था। यहाँ किसी ने कंप्लेन दी कि उनकी बाइक बाजार क्षेत्र से मिसिंग है। उससे पहले करीब 1 महीना पहले भी एक बाइक मिसिंग की सूचना इनके पास थी, चोरी की सूचना। तो इस पर हमारे कोतवाल साहब जो हैं इन्होंने अपने नेतृत्व में एक टीम बनाई, SI हेमकांत और उनके साथ 4 आरक्षी जिसमें कोई दिनेश नेगी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इसमें काम किया CCTV देखने का। तो 4-5 लोगों की टीम ने पिछले 8-10 दिन तक लगातार पूरे एरिया की रेकी करी। CCTV फुटेज की मदद से ये फाइनली एक व्यक्ति के पास पहुँचे। ये वो व्यक्ति है जिस पर पुलिस जब पहुंची तो इसके पास न केवल कोतवाली की मिसिंग 2 बाइकें मिली बल्कि 4 और बाइकें मिली हैं। तो एक बहुत अच्छा काम हमारी पौड़ी गढ़वाल कोतवाली पुलिस ने कर रखा है। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे SSP सर के द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा कर रखी है। लोक निर्माण विभाग घुमेटीदार घनसाली ठेकेदार संघ का धरना प्रदर्शन 4थे दिन भी लगातार जारी रहा। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष प्यार सिंह विश ने बताया कि सरकार ने अभी तक ठेकेदारों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया।
उनका कहना है कि राज्य सरकार कहती है कि हमने रॉयल्टी दरें नहीं बढ़ाई, ठेकेदार भ्रमित हो रहे हैं। यदि ऐसा है तो स्पष्ट शब्दों में शासन आदेश के साथ पुरानी नियमावली को विभागों को भेज दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार जल्द ही मामले का हल नहीं निकालती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिथौरागढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी पेश किया गया। छोटे बच्चों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गंगोली हाट में श्री हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित ब्यालापाटा मैदान में 3 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव की अंतिम रात्रि स्टार कलाकारों ने समा बांध दिया। लोक कलाकार माया उपाध्याय, श्वेता मेहरा, कल्याण बोरा ने सुबह तक दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता और लक्की ड्रॉ का भी आयोजन किया गया।